नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल का। फिर दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हैं, बात करें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को बता दें कि दो कोजेस्ट यहाँ पर जारी हुई है हाईकोर्ट की। अगर बात करें एक लखनऊ की, एक दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की है। पहला मुद्दा देखने को मिलेगा ओबीसी एससी की ओवरलैपिंग को लेकर। दूसरा मुद्दा है दोस्तों संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। 69,000 के अंदर तमाम विवाद आप सभी को देखने के लिए मिलते रहते हैं। उसी क्रम में दोस्तों दो विवाद और आपको देखने मिल रहे, तो दोनों की अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे, देखने के मिल जाएगा हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद आप सभी के सामने लखनऊ बेंच के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली 27/5/2020, मतलब कल की डेट के अंदर सुनवाई होगी। अगर बात करें दोस्तों तीसरे नंबर से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, रॉबिन सिंह के नाम से याचिका डालेगी। और भी दोस्तों इसके अंदर 7-8 याचिकाएं, अगर बात करें याचिकाएं हैं, उसके साथ में याची भी बने हुए हैं। अब ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मतलब बात करें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया था कि आने वाले समय के अंदर जो आरक्षण का रूल है दोस्तों पुराने के अकॉर्डिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ओवरलैपिंग को रोकने के लिए याचिका डाली गई है। अब इसको लेकर कल एक सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में क्या होगा उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। लगभग दोस्तों इसकी जो सुनवाई है 11 बजे के आसपास होने की संभावना है। तो दोस्तों जो भी जैसी भी अपडेट निकली सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और सुनवाई होने वाली जो कि दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जिसकी सुनवाई दोस्तों जस्टिस प्रकाश पाड़िया जी करेंगे। आप सभी को बता दूं कि ये भी दोस्तों आंसिकी का केस है। आप नीचे देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर इसको लेकर विवाद भी हो गया था। इसमें बताया गया था बीटीसी 2015 वाला केस है, लेकिन ये बीटीसी 2015 वाला जो केस वो नहीं था। अंशु सिंह के नाम से याचिका डाली गई है जो कि कोई फीमेल याची है। अगर बात करें अनुभाग 11 को दोस्तों इसके अंदर जो चैलेंज किया गया है, 10वें नंबर पे ये केस लगा हुआ। अगर बात करें दोस्तों इसकी सुनवाई है 12 बजे के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 11:45 बजे जो कोर्ट है वो बैठती है। तो ऐसे में इलाहाबाद में भी दोस्तों कल आंसर की मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बताएं कि 28 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है दोस्तों वहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि लखनऊ बेंच के अंदर। वहां पर दोस्तों स्टे की मांग की गई है, कोर्ट की तरफ से भी आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई में कोई निर्णय लिया जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों कल पहली सुनवाई होगी, क्या होता है क्या नहीं इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन 28 को जो सुनवाई होने वाली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप सभी को बताया कि केस होता है, तमाम केस लगे हुए इस भर्ती के अंदर, किसी में कुछ भी हो सकता है आने वाले समय के अंदर। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे कि भर्ती में कोई प्रभाव पड़े। लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी के अंदर जिस तरीके से अगर बात करें पीएनबी की तरफ से गलतियां की गई, उनका दोस्तों कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से लगातार अभ्यर्थियों तरफ से याचिका जो डाली गई है। तो कल तो सुनवाई होने वाली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आने वाले समय के अंदर जो भी जैसी भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इसी आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।